दोस्तों स्वागत है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों आपकी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि मेरठ पानीपत रेलवे लाइन पर एक वीडियो बनाए, तो आज हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों जैसा कि हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हमें न्यूज़ मिल जाए, ऐसे में हमें एक न्यूज़ मिली है कि मिट्टी के सैंपलिंग का कागजी कार्रवाई रेलवे की तरफ से पूरी कर ली गई है और अब इस पर कार्य शुरू होने वाला है। क्योंकि कोविड के कारण कुछ दिनों के लिए यह काम रोक दिया गया था, अब रेलवे की टीम ने कागजी कार्रवाई बिल्कुल ख़त्म कर ली है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर कार्य फिर से शुरू हो जाएगा जो कि कोविड के कारण बंद हुआ था। दोस्तों हमने आपके कमेंट के माध्यमों से अंदर से बात का पता चला है कि हमें मिट्टी के सैंपलिंग की जांच की कागजी कार्रवाई बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाएगा, तो आने वाले कुछ दिनों में अब बताया जा रहा है जो कि मई या जून में होना था वह जुलाई तक भूमि अधिग्रहण का कार्य समाप्त हो सकता है। क्योंकि इसमें कोविड के कारण कार्य रुक गया था और अब भी कोविड के कारण थोड़ा कार्य रुका हुआ है। जैसे ही कोविड की समस्या दूर होती है तो कार्य दोबारा शुरू हो जाएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गंगा नहर पर रेलवे की तरफ से अब बताया जा रहा है कि सामान पहुंच चुका है जो कि निर्माण कार्य का है।